बैटिंग पिच पे कैसे टीम बनाए। ड्रीम इलेवन में टीम हर कोई बना लेता है, हर एक पर्टिकुलर बंदा टीम बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन जब बात आती है किसी ऐसे स्पेशल पिच पे जब परफॉर्मेंस हो रही हो, तब वहां पे पिच में टीम बनाने की बात आए तब यहाँ पे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कैसे आखिर बैटिंग पिच पे टीम बनाई जाती है, बैटिंग पिच में कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोग कर देते हैं जिसके माध्यम से वो विनिंग नहीं कर पाते, लॉस कर जाते हैं। तो बैटिंग पिच में टीम बनाने के दोस्तों काफी बड़े एडवांटेजेस हैं जिनके माध्यम से आप लोग इस लेवल की विनिंग को दोस्तों क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों बैटिंग पिच में टीम कैसे बनती है, तो भाई आप लोग जानते हो जब बात आती है बैटिंग पिच की तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं रहता है, ये मतलब नहीं रहता है कि सिर्फ बैट्समैन, ओनली बैट्समैन ही आज परफॉर्म कर पाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो यार, फैंटसी क्रिकेट जैसे एप्लीकेशन में जब यहाँ पे आपके विनिंग करने की बात आती है तो यहाँ पे पहली बात तो आप लोग जानते हो जो पिच होती है वो बोथ फेवर कभी कभी सपोर्ट करती है। बोथ फेवर का मेरा मतलब है दोस्तों बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग को सपोर्ट करती है, और कहीं ना कहीं इसी माध्यम से, इन्हीं तरीकों से ड्रीम इलेवन जैसे फैंटसी ऐप में लोग विनिंग कर पाते हैं। तो भाई आप लोग अगर इन स्ट्रेटजी को समझोगे, इन जानकारियों को समझोगे, तो आपके विनिंग चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको इन बेसिक क्राइटेरियाज को जानना, इन बेसिक आइडियाज को आपको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके बेसिस पे आप लोग भी बैटिंग पिच पे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दोस्तों बैटिंग पिच पे थोड़ा परफॉर्मेंस ज्यादा होने के चांसेस कारण है दोस्तों इसके पीछे, क्योंकि बैटिंग पिच का ज्यादा एडवांटेज होता है। बैटिंग पिच हमको ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू बॉलिंग पिच। तो बैटिंग पिच पे आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, बैटिंग पिच में आप लोग एक चीज को कॉमन आप लोग ध्यान दे के चले कि दोस्तों बैटिंग पिच पे आप हमेशा, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं ग्राफ बनाता हूँ विकेट कीपर का, ऑलराउंडर का, बैट्समैन का, बॉलर का, तो आप लोग दोस्तों ये मेक श्योर करके चले कि जो बैटिंग पिच है वो दोस्तों कहीं स्पिनर्स के लिए गुड तो नहीं है, कहीं पेसर्स बॉलिंग के लिए बेस्ट तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों बैटिंग पिच होने के बावजूद आप लोग देखते होंगे गुड फॉर स्पिन है, गुड फॉर पेस होता है। कहीं ना कहीं भाई ये ड्रीम इलेवन का एक सिंपल सा एल्गोरिदम है कि कोई भी पिच दोस्तों पैरलर नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो बॉलिंग सपोर्ट कर रही तो वहां बैटमैन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बैटिंग सपोर्ट कर रही तो बॉलर बिल्कुल नहीं चलेगा। दैट्स नॉट अ परफेक्ट पॉइंट, आप लोग इस चीज को समझ के चलें कि ड्रीम इलेवन में दोस्तों पैरलर चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों हर एक जगह से एडवांटेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग दोस्तों ऐसे ऐप की बात कर रहे हो जो दोस्तों फैंटसी क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो दोस्तों वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बैटिंग पिच पे आपको क्या करना है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे बॉलर बैट्समैन का जब एडवांटेज मिल रहा है तो फिर हम दोस्तों ऑलराउंडर पर फोकस करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमको ऑलराउंडर एक बेटर ऑप्शन साबित होता है। ऑलराउंडर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कराता है, फील्डिंग भी करता है, तो दोस्तों हमको जो उसके पॉइंट्स देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और काफी बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से हमको इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। तो इन चीजों का दोस्तों काफी बड़ा एडवांटेज हमको यहाँ पे बैटिंग पिच पे खासकर ड्रीम इलेवन के अंदर देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं स्ट्रेटजी के माध्यम से जो लोग टीम बनाते हैं, जो लोग अपने दोस्तों रिसर्च एनालिसिस को इंप्रूव कर लेते हैं, उनकी विनिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जिसके माध्यम से आपके विनिंग चांसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। धन्यवाद।